खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। कोरोना महामारी के डर से सभी स्कूल कॉलेजेस बंद हैं, ऐसे में छात्रों की पढ़ाई ना रुके इसके लिए ऑनलाइन क्लासेस के रूप में एक नई तकनीक सामने आई है। लेकिन अब ऑनलाइन पढ़ाई ने बच्चों के लिए परेशानियां खड़ी कर दी हैं। कैसे, इस रिपोर्ट को देखिए। कोरोना महामारी की वजह से बंद किए गए स्कूल अभी तक नहीं खुल पाए हैं। ऐसे में पढ़ाई का नुकसान ना हो इसके लिए बीच का रास्ता निकालते हुए स्कूलों और अभिभावकों ने ऑनलाइन क्लासेस के जरिए बच्चों की पढ़ाई फिर से शुरू की है। लेकिन पहले पहल तो ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों और उनके अभिभावकों को बड़ा मजा आया, पर अब ये ऑनलाइन पढ़ाई मुसीबत का सबब बन गई है। ऑनलाइन क्लासेस के वक्त हम लोग बहुत सीरियसनेस चाहिए हमारे अंदर, पर अगर देखा जाए घर में बैठ के सबके साथ बैठ के पढ़ा नहीं जा रहा है हमसे, बस एक फॉर्मेलिटी कह सकते हैं, जो कि पेरेंट्स को भी लग रहा है कि एक फॉर्मेलिटी है बस स्टडीज। पर देखा जाए तो हमारे असेसमेंट्स हो रहे हैं ऑनलाइन, क्विजेज और ये सब ऑल दैट स्टफ वो सब हो रहे हैं, और हमें उसमें जवाब देना पड़ता है, पर सीरियसनेस नहीं है। हमें इतनी स्ट्रेस लाइफ हो गई है, इतना स्क्रीन टाइम है, और बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा है। जो आउटडोर एक्टिविटीज़ होते हैं और मतलब जैसे क्लास में बैठ के अपने फ्रेंड्स के साथ इंटरेक्शन होता है, जो वो नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा ऑनलाइन पढ़ाई आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि उनके पास कंप्यूटर तक नहीं है। इतना ही नहीं, अगर फोन के जरिए वो पढ़ाई करे तो इंटरनेट की समस्या सामने आ जाती है। विलेज एरिया से बिलोंग करती हूँ और यहाँ पे पढ़ना ऑनलाइन पॉसिबल ही नहीं है। आप यहाँ रह रहे हो, घर वालों के साथ रह रहे हो, आप वहाँ अगर स्कूल्स में होते तो आपकी पढ़ाई चलती सीरियसली। आप यहाँ रह रहे हो, कोई कोई काम बोल रहा है, डिस्टर्बेंस हो रहा है, माहौल ही नहीं बन रहा पढ़ाई का। और दूसरी बात, यहाँ पे नेटवर्क इतना इशू है, और फिर ऑनलाइन क्लास है, आप सुबह से 7 बजे से आप 1 बजे फ्री होते हो ऑनलाइन क्लास से, पूरा दिन उसमें निकल जाता है। और फिर यहाँ हम घर पे रह रहे हैं, पेरेंट्स कुछ काम बोल रहे, पेरेंट्स तो सीरियसली ले ही नहीं रहे, बोल रहे ऑनलाइन ही तो पढ़ रहे हो, क्या है फ़ोन पर लगे रहते हो पूरे दिन। वो लोग समझ ही नहीं रहे हमारी क्या सिचुएशन है इस टाइम, और हमारी फिर हम पढ़ते हैं इतना, ठीक है, उसकी वजह से बहुत आँखों में दिक्कत होती है, बहुत दर्द होता है आँखों में। फिर घर वाले बोलते तुम पूरे दिन फ़ोन पे ही लगे रहते हो, उनको कौन पता हम पढ़ ही रहे हैं, और हम बहुत इरिटेशन और बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है इस चीज़। 43% लोगों ने कहा है कि बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस के लिए उनके पास कंप्यूटर, स्मार्टफोन, प्रिंटर जैसी चीजें नहीं है। वहीं एक और आंकड़े से पता चला कि केवल 24% भारतीयों के पास स्मार्टफोन है। ऐसे में कैसे सब तक ऑनलाइन पढ़ाई पहुंचेगी, ये बड़ा सवाल है। इतना ही नहीं, सर्वे के मुताबिक केवल 24% भारतीय घरों में इंटरनेट की सुविधा है, जिसमें शहरी घरों में 42% और ग्रामीण घरों में केवल 15% ही इंटरनेट सेवाओं की पहुँच है। इन सब के अलावा सारा दिन इंटरनेट चलाने से बच्चों में मानसिक तनाव जैसी समस्या भी देखने को मिल रही है, क्योंकि स्कूल बंद है और बच्चों का ज्यादातर समय घर पर ही बीत रहा है, जिससे बच्चों में चिड़चिड़ापन देखने को मिल रहा है। ये एक प्रश्न चिन्ह है कि हम इस ट्रांजिशन के लिए रेडी भी हैं। हमारे पास ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें हम बच्चों को कहें कि रोटी कपड़ा मकान की जगह, जो एक रूरल एरिया में बच्चा है उसको ये कहें कि नहीं अब तुम्हें स्मार्टफोन की तरह पढ़ना है, किस तरीके का सिस्टम है ये। कुल मिलाकर ऑनलाइन पढ़ाई के अपने फायदे हैं तो उसके नुकसान भी हैं, लेकिन इन सबसे ऊपर सवाल ये है कि कोरोना काल में सब तक ऑनलाइन शिक्षा पहुंचाना सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। पूजा मिश्रा, जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।